आजा पकड़ते हैं अभी आपको, फाइन लगेगा वो। एशियन गेम दिल कटे गोल्ड मेडल മലയാളം പാട്ടാണോ പാടുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ബിലീവ് ഐ എം എ വെരി ഗുഡ് സിംഗർ. ഐ ബിലീവ് ഐ ലൈക്ക് ടു സിംഗ് ഓൺ ബോട്സ് ബിക്കോസ് നോബഡി കാൻ ये है आपका KSINC क्रूज टर्मिनल, जहाँ से आज हमारा ये वाला जर्नी थ्रू द सेरेनिटी ऑफ पलाईकारी, ये आपका आज का जो है टूर है, क्रूज है आपका ये, ठीक है. वो जो बोट मैंने आपको दिखाई थी मिशेल और क्लियोपेट्रा, उससे हम जाएंगे. और पैडल बोट है वहाँ पे, रोविंग बोट है, और आपका पोल एंड लाइन फिशिंग है नकुल तेरे लिए, मोटर बोट राइड भी है. सो दिस इज़ योर KSINC सागर रानी जेटी, यहाँ से आप बोर्ड करोगे. वो दोनों जो ब्लू और ग्रीन जो है उनमें से एक जाएगी, ये मिशेल है, वो क्लियोपेट्रा है. और काफ़ी लोग आ गए हैं, वैसे सुबह लग नहीं रहा था. ये पीछे देखो इसका वेग है, ये प्रोपेलर से पीछे जा रहे हैं ना, धकेल रहे हैं, तो ये वेक है ये. अच्छा, ये मरीन ड्राइव पूरा देखिए, उसका वहाँ से 4.6 किलोमीटर का है टोटल स्ट्रेच मेरे ख्याल से. सर्वे वैसल है देखो, ये देखिए, ये ट्रेजर है. ये चैनल पे ना मिट्टी नीचे से क्लियर करता जाता है, डेप्थ मेंटेन करने के लिए, फिर उसके बाद में बाहर जाके ये फेंक के आता है सारी मिट्टी. So that's the mighty INS Vikrant aircraft carrier at Cochin Shipyard. Carrier. Yeah. Rainbow. That's Michel. Yes, Michel. Vendurati Vikrant bridge. See, we are passing below a bridge now. That's the railway bridge to Wellington Island. इस एक छोटे छोटे बोट पे लोग फिशिंग कर रहे हैं. रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है. हिरणी के जैसी आंखें है तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है. മറ്റൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുക, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളം പാട്ടാണോ പാടുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ബിലീവ് ഐ എം എ വെരി ഗുഡ് സിംഗർ. ഐ ബിലീവ് ഐ ലൈക്ക് ടു സിംഗ് ഓൺ ബോട്സ് ബിക്കോസ് നോബഡി जाने मन तेरे दो नयन लिख गई नयन निध को मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन छोड़ दे दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी, दिल से तू दिल मिलने दे. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. थैंक यू फॉर टॉकिंग. ओके, थैंक यू. എന്തായാലും ഇനി നമ്മുടെ ഗായകർ ഒരു പാട്ട് പാടാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള പാട്ടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. സീ ഓൾ കോക്കനട്ട് ട്രീസ്. ദേഖാ ചാച്ചാ കേ അപ്നാ ഫാം പേ ദേഖാ, ഒരു ഛോട്ടാ വാലാ കോക്കനട്ട് ട്രീ താ.
सामने ये देखिए छोटा कोकोनट ट्री है। यहाँ पे ये कोटायम डिस्ट्रिक्ट है, पीछे एलपी और ये एर्नाकुलम, तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। इस जगह की स्पेशलिटी यही है। Should enjoy the journey. ये बोट को ले जाएंगे मम्मा? बेटा यही बोट पे वापस जाएंगे ना, ढाई घंटे की जर्नी है यहाँ से। तो ये बोट आएगी? हाँ, तो हमको क्या करना है, अभी घूमना है, फिर 1 बजे लंच है और 2:30 बजे आपको वापस यहाँ आना है। वाटर एक्टिविटीज़ हैं, सो एंजॉय एवरीथिंग। यहाँ पे है फिशेस, इधर 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 बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो है ना पिट, इसमें है। हाँ, दिखाई दी, ये पिट है, ये सारे चारों तरफ है ना, इसके जाल लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, बैरल्स लगाए हुए हैं फ्लोटेशन के लिए, मतलब उसके ऊपर ये अपना स्कैफोल्डिंग या ये बोलो या ये वॉकवे जो भी है, मतलब कि पूरा ये दर्श लगाया हुआ है, इससे ये बना हुआ है पूरा। ये जो बैरल्स हैं इन्होंने होल्ड किया हुआ पूरा, इससे पानी के ऊपर है, है? पैडलिंग इस धूप में, इधर बेटे को भी पैडलिंग कर रही है, तू भी पैडलिंग कर रहे धूप में, और दूसरी बोट चला लो कोई, इतनी धूप में पैडलिंग करो, वही करो जिसको पैडलिंग करनी करो, मैं तो नहीं करूँगा पैडलिंग। फिश फार्म पे यू आर हैविंग अ सी फूड फिश थाली, कैन यू मैनेज नेत्रा? बोन्स का इसके अंदर वो कांटे होंगे, संभाल के उसको, ठीक है? और आपका वेजिटेरियन? वेजिटेरियन में सांभर है ना, अच्छी तरह सांभर खाओ और अपने कट करी लो आप, वो आप उसको, वो हम लोग ले लेंगे, पैकिंग भी कर लेंगे, आके करवा देंगे वो भी इधर को। तो आप रुक जाओ इधर ही, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में, जाओ 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 जाओ। इनको कोई भी अच्छी चीज बताओ ना, सामने से रेसिस्टेंस आता है। हाँ। दे मेरे को आप चश्मा, दे मेरा दो बैग मैं मोटो कानूंगी, पापा ने बोला था पापा, देखा भी पीछे होके बैठ जा, इसको एंजॉय करो अपना। तो ये बोट राइड जो है ये आपके क्रूज में इंक्लूडेड नहीं है, एडल्ट्स का ही चार्ज करते हैं, बच्चों का चार्ज नहीं है। इट्स 150 रुपीज पर हेड, तो 300 रुपीज में आपका ये बोट राइड होगा। अगर किसी को करना हो, कोई भी अपना पलाईकरी आइलैंड आ रहा है अगर, तो अपना क्रूज के अलावा अगर आपको ये जाना हो एक्सक्लूसिव बोट राइड पे, तो ये इसके चार्जेस हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है। नारियल का पेड़ देख कहाँ आए हुए, कैसे आए हुए नीचे देखो, फिश के इंतजार में बैठा हुआ ये। मेरे पे ही गिरा रही पानी, तो सी वीड हर जगह पहुंच गए। ये इसकी शेड आ गई, ये तो इसका मतलब हमको सीधा ही उतर मोड़ना पड़ेगा। ओके, हियर वी आर, अकुल पहले जाएगा, तो कोई बात नहीं, अगली बार कोई राइड होगी तेरे को नहीं भेजेंगे फिर हम, फिक्र मत कर, चीटिंग है, चीटिंग है, दिस इज चीटिंग। पहले लगा ले अच्छी तरह लाइफ जैकेट, अर्पित तू लाइफ जैकेट लगाई नहीं है, पानी में गिरा ना यही बचाएगा, हाथ दे दे वो भैया को, तेरे को मैं अगली, तो इसको हम देख लेंगे, ये चीटिंग कर रही है ना, ये डर लग रहा है उसको, देखा अब उसको डर लग रहा है, ज़्यादा हिलना मत, चलो राम भरोसे, ज़्यादा तू चली जा पानी में, उधर भी चल सकती है, देखो जहाँ जाना है जा, कोई मना ही नहीं है तेरे को, बाय बाय।
hold it like this. Steady. Which side are we going? There, that way? Yeah. So I had to pedal back. Fine, lagega. तो इस बोट में हम लोग गए थे आज सुबह। हमने कई फिशरमैन को इसमें फिशिंग करते हुए भी देखा था, हार्बर में भी, और नेत्रा जी ने शूटिंग की है अंदर बैठ के। तो मेरे ख्याल से कवरेज कुछ इतनी अच्छी नहीं रही होगी क्योंकि उन्होंने एक ही जगह पे कैमरा पकड़ के रखा था और किसी के फेस की तरफ भी डायरेक्ट नहीं किया है। बट आई थिंक इट्स ओके, लाइक शी इज ट्राइंग। और अभी नेत्रा और मम्मा अंदर गए हैं क्योंकि नकुल करके आया है, तो नेत्रा का भी करना जरूरी था। एशियन गेम दिल गेट अ गोल्ड मेडल, गुड गुड गुड। आ जाओ अभी मेडल और दे दो अंकल को। शाबाश, से थैंक यू। Trip has been fun actually, because of the people. दूसरे बोट में जा रहे थे ना तो वो देख रहे थे वहाँ सब, everybody was quiet.